या यूट्यूब, आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दा पर। ये मुद्दा शायद हर किसी के माइंड में कभी ना कभी आया होगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम अभी चेंज होना चाहिए? क्या हमें अभी लगने लगा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम और को सभी देशों से पीछे है? देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी आईटी के सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो कि हमारे साधारण मीडियम के छात्र छात्राएं हैं, उनका जो एग्जाम की पैटर्न है, शायद उनमें थोड़ी सी बदलाव लाना चाहिए। और जो कि लाया जा रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं लाया जा रहा है जिससे जापान और अमेरिका अदर कंट्रीज में होता है। उनको बच्चे लोग के पास हमेशा एक लैपटॉप होता है, कंप्यूटर में ज़्यादा उनको नॉलेज है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर में नॉलेज है? क्योंकि अब देखिए, अभी सभी के पास अभी इंटरनेट की जो पावर सिक्योरिटी है, सभी जानते हैं। अब सभी लोग का भी सोशल मुद्दे के ऊपर भी नॉलेज है। हम क्या होते हैं, हम थोड़े से साई टाइप होते हैं, हमें कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं होती है। और हम अदर कोई काम करना चाहते हैं जो कि समझ रहे हो ना, बहुत ही बड़े बड़े मुद्दे में बात करने से डरते हैं। हालांकि जेन फैन में आप देख रहे हो कि मुद्दा उस तरह का नहीं, सही तरीके से। और इंटरनेट अभी ऐसी माध्यम है जो कि हम उसके साथ सब अपने मुद्दे उठा सकते हैं, आप अपने कार्य को दिखा सकते हैं। और हम जो अभी अपने एज जो होता है 6 से लेकर 15 तक, उस समय हमका इंटरनेट का नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो बड़ा होने के बाद हमें फैमिली प्रेशर हो जाता है, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को सोचने में डर जाते हैं कि अभी इंटरनेट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। आगे बढ़ने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अब जब आप अपने 15-16 एज में, मतलब 10th या 12th कंप्लीट कर चुके हो, तो ज़्यादातर वर्निकुलर मीडियम, मिडिल क्लास मीडियम क्लासेस और गरीब आदमी के साथ ये होता है कि उनको एक जॉब चाहिए होता है। तो कोई कैसे तैसे करके वो अपने आप के लिए एक जॉब ढूंढ लेते हैं, और उनको कंप्यूटर या कोई अदर प्रोग्राम सेक्टर के बारे में जाने के लिए दिल नहीं करता, क्योंकि उनके बारे में उसको उनके बारे में कोई पता नहीं होता है। तो क्यों जाएं, उनको क्यों इतना पैसा खर्च करना पड़े, वो सोचते हैं और वो जाते नहीं हैं। सो इससे क्या होता है कि हमारे जो साधारण वर्ग के लोग हैं, उनको आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में इतना जानकारी नहीं होता, जिससे हमें फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा और भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो साधारण वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो हम मुझे लगता है कि हमारे जो 6 से 15 क्लास है, उसमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं हो, तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो सिखा जा रहा है, अच्छी खुशी उसमें थोड़ी सी संस्कार लाना चाहिए, अच्छी थोड़ी सिलेबस करना चाहिए, उसको स्पेसिफिक सब्जेक्ट करना चाहिए, स्पोर्ट्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे जो साधारण वर्ग के बच्चे हैं वो उसमें आवर हो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देना चाहिए। इससे हमें थोड़ी सी नॉलेज मिलेगा, जिससे बड़ा होके वो उस फील्ड में आ सकते हैं। उसमें आए या नहीं वो मैटर नहीं करता, लेकिन उस फील्ड में आप जानते हो तो फ्यूचर में आप जो जिस तरह इंटरनेट की व्यवहार ज़्यादा दिन के दिन बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो असुविधा के हिस्से नहीं बने। अभी कैशलेस तो बन रहा है, अगर वो जानते कुछ नहीं हो कि कैशलेस के बारे में, इधर उधर की चीज़ को करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अभी दुनिया में है जो कि बैठे हुए कि लोगों को किसे उल्लू बनाया जाए। वो सीख सकेंगे दुनिया के टाइम, लेकिन जब बच्चे होंगे तो उनको ज़्यादा अच्छी खासी सीखने की नॉलेज मिलेगी। तो मुझे ये लगता है कि अभी एजुकेशन सिस्टम में ये परिवर्तित करना चाहिए। आप क्या लगता है, कमेंट करके बोलिए। धन्यवाद।